Hi friends, welcome again to JKICC. आज today a very important topic, और आप सब aware भी हैं इससे. आप जानते हो कि हमने cash book की थी recently. तो cash book में customer जो क्या है वो cash और bank की transactions record करता है. So we are talking about the bank column. कि जब कोई हमें चेक दे तो हम बैंक में जमा करा देते हैं, और हम जो पेमेंट्स बैंक के थ्रू करते हैं वो बैंक कॉलम में चली जाती हैं. होना तो ऐसे चाहिए. हाँ, दिस टॉपिक, इसको कहते हैं बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब बात ये है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, अपना बैलेंस मैंने कैश बुक में निकाल लिया कि 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता. हो सकता है कि हमारे बैंक की पासबुक उस टाइम कोई डिफरेंट बैलेंस शो करे. हम तो सोच रहे हैं कि 5 लाख है, हमारी बैंक की पासबुक थोड़ा ज़्यादा भी शो कर सकती है, थोड़ा कम भी. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट्स बेटे 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं. तो 31 मार्च को जब क्लोज अकाउंट्स हुए तो हमने तो अपनी कैश बुक क्लोज कर दी, उसका बैलेंस निकाल लिया. लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो बैंक वाले ट्रांजैक्शंस कर चुके होते हैं, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो हम ट्रांजैक्शन कर चुके होते हैं, वो वाली ट्रांजैक्शन बैंक ने नहीं की होती. तो इसलिए हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता. और आजकल तो हम वीकली BRS भी बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्टनाइटली भी बनाते हैं, मंथली भी बनाते हैं. तो उसके रीजंस आपको मैं बताता हूँ. मतलब इट्स अ स्ट्रेंज थिंग फॉर यू कि भाई मेरा शो कर रहा है कि बैंक में 5 लाख है, लेकिन हो सकता है वहाँ 4,70,000 ही हो. तो आप घबराएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एंट्रीज बैंक कर चुका होता है, हमें पता ही नहीं होता. कुछ एंट्रीज हमने की होती हैं, और कुछ चेक्स हमने इशू किए होते हैं जो बैंक तक पहुँचे नहीं होते, या कुछ चेक्स हमने रिसीव किए होते हैं उनकी बैंक ने एंट्री नहीं की होती. सो देर इज ऑलवेज, मोस्टली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंट्रीज डन इन द कैश बुक बाय द कस्टमर बिजनेस एंड बैंक पासबुक. तो पासबुक बैंक के अकाउंट्स की होती है. पासबुक कौन बनाता है बेटे? बैंक वाले. हम जाते हैं अपनी पासबुक लेके, लेकिन उन एंट्रीज कौन सी है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपनी एंट्रीज डालते हैं. और कैश बुक तो हमारे बिजनेस में पड़ी होती है. तो वैसे तो ये बैलेंसेस टैली करने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. अब देखेंगे आप, स्ट्रेंज तो लग रहा होगा, लेकिन अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं, और आप एग्री करोगे कि वाकई ऐसा हुआ. तो इसलिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एंड दैट इज कंपल्सरी अंडर इनकम टैक्स रूल ऑल्सो. इनकम टैक्स रूल्स कहता है कि भाई आपका जो बैलेंस है उनसे मैच नहीं कर रहा, तो बताओ क्यों मैच नहीं कर रहा, वो एंट्रीज को ज़रा रिकनसाइल करो और मैच करके दिखाओ. इज इट क्लियर? तो बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर वही हुआ बेटे, कस्टमर या बिजनेसमैन, ऑन ए पर्टिकुलर डेट. अब पर्टिकुलर डेट के बारे में बता रहा हूँ कि वीकली भी बना सकते हैं, फॉर्टनाइटली, मंथली भी, ईयरली तो बनेगा ही बनेगा जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स भर लिया. टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज कैश बुक का बैलेंस, जो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर. उसका बैलेंस को किसके साथ रिकनसाइल किया जाता है बेटे? बैलेंस एज पर पासबुक. हालांकि पासबुक होती हमारे पास ही है, लेकिन उसकी एंट्रीज आप बैंक में जाके कराते हो ना. तो कैश बुक तो हमारे पास ही होती है, लेकिन पासबुक की एंट्रीज बैंक करता है. और एक और चीज मैं बताऊं, आज बड़ा क्लियर होगा. डेबिट जो हम डेबिट करते हैं बैंक क्रेडिट करेगा, क्योंकि हमने अगर बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक वाले क्रेडिट करेंगे कि भाई बैंक वाले ने हमें ये पैसा देना है. इज इट क्लियर? तो इसीलिए जो एंट्रीज हम डेबिट करेंगे बैंक वाले क्रेडिट करेंगे, जो एंट्रीज हम क्रेडिट करेंगे बैंक वाले हमें डेबिट करेंगे. लेकिन ये बैलेंसेस एग्री नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. दैट इज द ओनली टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट. तो दोनों बैलेंसेस कैश बुक कौन मेंटेन करता बेटे? कस्टमर. और पासबुक बैंक वाले मेंटेन करते हैं, वो हमें दे देते हैं. तो ये कंसाइल नहीं करता. फिर हम हर एंट्रीज को चेक करेंगे कि भाई क्या ऐसा रीज़न है कि हमारा बैलेंस उनसे नहीं मिल रहा,
और फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा बिकॉज एंट्रीज हमारे सामने होंगी, पासबुक की भी और अपनी भी, जो हमने मिस की होंगी वो डाल देंगे, जो बैंक ने एक्स्ट्रा डाली होंगी वो भी रिकनसाइल करेंगे, और एंड में जाके हमारा जो बैलेंस कैशबुक का है बैंक के बैलेंस से मिल चुका होगा। तो इसकी नीड क्या अराइज क्यों होती है बेटे? एक तो यही रीज़न है कि भाई डिफरेंस आ रहा है तो उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, तो डिटेक्ट करेंगे एरर्स, और फ्रॉड्स भी नहीं है बिकॉज फ्रॉड्स आर वेरी मच पॉसिबल कि आपने किसी को चेक दिया और आपके स्टाफ ने वो चेक किसी और को ही दे दिया अपने किसी पर्टिकुलर बंदे को और पता ही ना चला, क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ के इतने चेक्स काटे जाते हैं कहने की बात नहीं। लेकिन आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसी टाइम बैंक की एंट्री आपके पास आ जाती है, बट फिर भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोप्राइटर लाइक अंबानी कि जिसके पास तो पता नहीं कितने इंडस्ट्रीज हैं कि सारे बैंक अकाउंट खुद ही चेक करने लग जाए, ही डजंट हैव टाइम फॉर दैट। मॉरल चेक भी हो जाता है, एरर्स डिटेक्ट किए जाते हैं, फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, और हमारे मॉरल चेक होगा हमारे अकाउंटिंग स्टाफ का कि क्या वो ऑनेस्ट हैं या नहीं। मेन अब बात आई बेटे रीजंस, दैट इज इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि जब मैंने आपको बताया होगा तो आप हैरान हुए होंगे, यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कैश बुक है तो बैंक का भी वही होना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब रीजंस क्या आते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट में बेटे हमने कैश बुक क्लोज कर दी। मान लीजिए मैंने पिछले मंथ जो हमारा था जुलाई, तो लास्ट डेट ऑफ द जुलाई में मैंने कैश बुक क्लोज की और बैंक का बैलेंस निकाल लिया, और अब बैंक में क्या हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने लास्ट डे को ना चेक इशू किया था किसी कस्टमर को, जब मैंने इशू किया तो मैंने कैश बुक का बैलेंस तो कम कर लिया होगा कि भाई ये बंदा पेमेंट ले गया होगा, क्योंकि मैंने इसको चेक इशू किया तो ये बंदा मेरे बैंक से पैसे ले गया होगा, तो मैंने तो अपना बैलेंस रिड्यूस कर लिया बेटे। लेकिन वो बंदा लास्ट डे ऑफ द मंथ तक गया ही नहीं, वो 5-6 दिन के बाद बैंक के पास गया, तो लास्ट डे में क्या होगा कि मेरा कैश का बैलेंस तो कम हो चुका होगा, लेकिन वो बंदा क्योंकि मेरे बैंक से पैसे निकालने गया ही नहीं है तो बैंक का बैलेंस तो ज़्यादा होगा, तो फिर हमारा उनका नहीं मिलेगा। इसी तरह चेक्स डिपॉजिटेड या पेड इन टू बैंक। मैंने बेटे किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट एंड पेड इन टू बैंक सेम चीज़ होती है, याद रखिएगा। पेड का मतलब ये मत समझने के हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक्स डिपॉजिटेड या पेड। मैंने एक किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करा दिया, क्लियर। तो मैंने अपना फटाफट सोचा कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो मैंने अपने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन अभी वो कलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि टेक्स हो सकता है कि बाहर किसी दूसरे स्टेट का चेक हो तो उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं। तो मैंने तो बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने वो पैसा अभी कलेक्ट किया नहीं है, तो बैंक का बैलेंस क्या रहा कम, तो इसलिए हमारा ये मैच डिसएग्री कर जाए। अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर। कभी कभी क्या होगा बेटे, ये कैशबुक का बैलेंस है और ये बैंक बैलेंस है, कस्टमर ने सीधा ही जाके मेरे बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करा दिया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बेटे, लेकिन मेरा बैलेंस तो कम है, तो डिफरेंस आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कभी कभी बैंक, हमारे पास अगर पैसा है बैंक में तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया, ये पासबुक है और ये कैशबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बेटे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कितना इंटरेस्ट दिया, वो तो पासबुक जब आएगी तब हमें इंटरेस्ट पता चलेगा, फिर हम एंट्री डालेंगे और रिकनसाइल कर देंगे। इसी तरह हम अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कभी कभी बैंक वालों को कि भाई मेरे ये शेयर्स हैं, इसका डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, तो बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है डिफरेंट टाइप्स, तो उनका बैलेंस बढ़ता रहता है और कैशबुक का कम। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय वही कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमें पता ही नहीं चला। चेक्स डिसऑनर्ड। कभी कभी क्या होता है कि मैंने एक चेक किसी कस्टमर से दिया तो मैंने बैंक में डाल दिया और मैंने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि उस कस्टमर ने पैसे दिए होंगे, लेकिन भाई हुआ क्या कि वो चेक डिसऑनर हो गया, शायद वो उसके पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, या कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसऑनर हुआ, तो वो बैलेंस तो बैंक पासबुक का कम रहा, तो देखिए बैलेंस नहीं एग्री किया। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। हाँ, कभी कभी रिकॉर्डिंग में भी एरर्स हो सकते हैं, हमारे कैशियर से गलती से 10,000 की जगह 1,000 लिखा गया, तो फिर वो 9,000 का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। अब हम रिकनसाइल करेंगे तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसे हम बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें बेटे पर्टिकुलर्स में वो सारी एंट्रीज लिखेंगे जो हमने डिटेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है, पर एक प्लस
कॉलम बना लेंगे और एक माइनस का कॉलम बना लेंगे। अब ये प्लस माइनस क्या है? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे कैश बुक के बैलेंस से। मेरी स्टार्टिंग पॉइंट आज का समझाने का क्या है कि मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटे कैश बुक का सिंपल लिखा हुआ है कैश बुक बैलेंस, वो भी प्लस में लिखना है। अगर फेवरेबल लिखा है तब भी प्लस में लिखना है, और डेबिट लिखा है तब भी प्लस में लिखना है। याद रखिएगा ये तीन चीज़ें। अगर तो सीधा बैलेंस है इस पर कैश बुक लिखा है तब भी प्लस में, अगर फेवरेबल लिखा है तब भी प्लस में, और अगर डेबिट लिखा है तब भी प्लस में। तो तीन केसेस हैं, इसे प्लस में लिखना है। क्लियर? हाँ, ओवरड्राफ्ट मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, ओवरड्राफ्ट माइनस होता बेटे कि बैंक, और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है या अनफेवरेबल लिखा है या क्रेडिट लिखा है तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? माइनस में वो फिगर लिख के। तो हमने कैश बुक का बैलेंस देखा तो प्लस में था, तो हमने अगर प्लस में लिख दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि ये आइटम्स को सबको क्या किया जाएगा बेटे, ऐड। ऐड कैसे किया जाएगा? अब नाउ एवरीबडी डांसेस, लाइक्स टू डांस, तो टुडे आई विल बी डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू ऑल्सो ट्राई टू डांस अराउंड। इसे मैं कैश बुक समझता हूँ और इसे मैं पासबुक समझता हूँ। इज इट क्लियर? अगर अब मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया है, अगर तो पासबुक का बैलेंस किसी एंट्री की वजह से बढ़ गया है तो मैं ऐड करूँगा, और अगर पासबुक का बैलेंस कम हो गया है तो मैं माइनस करूँगा, क्योंकि मुझे आंसर कहाँ पे पहुँचना है? पासबुक। वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक, बट हमें हर एंट्री का कॉन्सिक्वेंस किस पे देखना है? पासबुक पे। तो अगर पासबुक का बेटे बढ़ गया तो मैं भी बढ़ा दूंगा, ऐड में लिख लूंगा। अगर पासबुक का कम हो गया तो मैं भी कम कर दूंगा, माइनस में लिख दूंगा। और दूसरा केस भी हो सकता है कि पासबुक का वैसा ही रहा हो, कैश बुक का मेरा बढ़ गया किसी वजह से, तो मुझे पासबुक का ना तो मैं कम करूंगा, और अगर कहीं कैश बुक का ही कम हो गया तो मुझे यहाँ आना प्लस करूंगा। तो यू हैव टू डांस लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू कि अगर हमें प्लस में लिखने के बाद ये आइटम्स को ऐड किया जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ रीजन क्या है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। मैंने चेक इशू किए किसी कस्टमर को, तो मैंने तो अपने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया कि भाई वो पैसा ले गया होगा, लेकिन वो कस्टमर तो बेटे पैसा लेने आया ही नहीं उस पर्टिकुलर डेट तक, बाद में आया, तो हम तो उस पर्टिकुलर डेट में बना रहे हैं, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या रहा? ज्यादा, तो मैंने ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? सेकेंड, चेक्स डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरे पास कोई चेक आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है बेटे, मैंने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया गलती से उस दिन। तो जब बैंक में जमा कराया, बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा क्योंकि वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब बढ़ गया तो इसे भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड ही आया बेटे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है अगर हमारे पैसे उसके पास हों, प्लस बैलेंस हो, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, तो जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, दिस इज पासबुक, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मुझे कैश बुक में अभी मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि पासबुक आएगी तभी रिकॉर्ड करूंगा ना, तो मुझे भी बढ़ाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट होगा तो वो माइनस होगा, दैट आई विल टेल यू लेटर। बिल्स एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय, रिसेंटली आई सेड कि मेरे कुछ डिविडेंड्स थे शेयर्स पे और बिल्स बैंक ने कलेक्ट कर लिए, जब बैंक ने कलेक्ट कर लिए तो बैलेंस बढ़ा दिया, तो मैं भी बढ़ाऊंगा, तभी मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय कस्टमर इनटू बैंक, हुआ क्या कि कुछ कस्टमर्स थे मेरे बाहर की स्टेट्स के, उन्होंने क्या किया कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, जब मेरे अकाउंट में किया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, मुझे तो पता ही नहीं कस्टमर ने कराया हुआ, तो मैं पासबुक देखूंगा, ओए इन्होंने कराया, खुश तो हो जाऊंगा, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा ही मुझे। सेफ, चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, देखो मैंने चेक इशू किए तो मैंने अपना सोचा कि इशू मीन मैंने दिए लोगों को कि उन्होंने मेरे बैंक से पैसा निकाल लिया होगा, लेकिन वो चेक्स किसी टेक्निकल वजह से कैश नहीं हो पाए, तो बैंक बैलेंस क्या रहा? ज़्यादा, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ए रॉन्ग क्रेडिट, जब बैंक हमें क्रेडिट देता है, याद लिख लीजिए, जब बैंक हमें क्रेडिट देता है हमारा बैलेंस बैंक का बढ़ जाता है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, गलती से ही दे गया, देगा तो नहीं लेकिन गलती से, और अगर बैंक डेबिट करे तो हमारे पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। राइट इट, अगर बैंक क्रेडिट करेगा हमें तो बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का, और अगर डेबिट करेगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। अब ये आइटम्स हैं
एंड आई थिंक विद डांसिंग ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड। अब हम लेस की बात करते हैं कि ये तो ऐड की आइटम्स थी, लेस की बात करते हैं। वही ये पासबुक है, ये कैश बुक, चेक्स पेड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हुआ क्या, मैंने बैंक में चेक्स डिपॉजिट करा दिए, मुझे कस्टमर्स ने दिए थे, मैंने डिपॉजिट किया, तो कैश बुक का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने अभी वो पैसा कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस पासबुक का कम है, तो मुझे भी कम करना पड़ेगा, तो मेरा रिकनसाइल हो जाएगा। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक चार्जेस तो बेटे उससे क्या होता है, बैंक अपना मुफ्त काम नहीं करता हमारा, वो उसके लिए चार्जेस लेता है, तो जो बैंक चार्जेस होते हैं उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, कम हो जाता है तो हमें भी कम करना पड़ेगा, और हमें चार्जेस पता भी नहीं होता कि उन्होंने कितने लिए, वो तो बाद में जब हम पासबुक देखते हैं तो देखते हैं हाँ इन्होंने इतने चार्जेस काटे बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज दे आर डूइंग, तो हम अपना बैलेंस करेंगे। इंटरेस्ट अगर अलाउ होगा तो भाई पासबुक का बैलेंस बढ़ता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वो बैंक चार्ज करता है हमसे, लोन होता है लोन पे वो चार्ज करेगा, तो याद रखिए इंटरेस्ट अलाउड हो तो ऐड होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो होगा वो बैंक हमें डेबिट करता है बेटे, हैं। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो हमारा बैलेंस कम कर दिया, तो हमें पासबुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, हमने कहा हुआ है मेरी बहुत इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं कि भाई मेरा प्रीमियम आप पे कर देना, मेरे को डेट से याद नहीं रहती, बैंक इसके लिए चार्जेस लेता है, तो जब उन्होंने डेट आई होगी मुझे तो याद ही नहीं, मैं कैश बुक में कैसे डालूंगा, आई हैव फॉरगॉटन इट बिकॉज आई हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बैंक, तो उन्होंने मेरा बैलेंस कम किया तो मुझे भी कम करना पड़ेगा। चेक्स रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिसीव हुए मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किए तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बट नॉट बैंक में भेजे ही नहीं, कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है बैंक में भेजे नहीं तो बैंक का बैलेंस थोड़ा बढ़ेगा, इज इट क्लियर, तो मुझे भी कम करना पड़ेगा। चेक्स डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड, वही कि मैंने चेक डिपॉजिट कराए थे बेटे, मैंने कस्टमर ने दिए चेक डिपॉजिट कराए, मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया भाई, लेकिन वो कस्टमर ने मेरे को पैसा नहीं दिया, बैंक का बैलेंस कम ही रहा। अभी मैंने कहा था रॉन्ग क्रेडिट हो जिससे पासबुक का बैलेंस बढ़ता है, लेकिन रॉन्ग डेबिट हो तो कम हो जाता है। अब दूसरा है कि हम आंसर कैसे इसका बनाएंगे बेटे, अगर तो प्लस आइटम्स का टोटल ज़्यादा है, प्लस आइटम का टोटल ज़्यादा है, ये सारा टोटल मान लीजिए 30,000 ऐसे मान लेते हैं और 40,000, तो ये टोटल कितना हुआ बेटे 70,000, और यहाँ जो आइटम्स थी यहाँ थी 20,000 और 10,000, तो यहाँ का बैलेंस कितना हुआ बेटे 30, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ भी 70 और यहाँ लेजर की तरह इसे बैलेंस करूँगा। अब 70 में से कितने चले गए बेटे 30, तो मेरा यहाँ जो बैलेंस आएगा 40, तो इसमें मेरे प्लस की आइटम्स ज़्यादा थी, तो जो बैलेंस लिखा जाएगा उसे बैलेंस एज पर पासबुक लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे किया था बेटे, कैश बुक से, और ये सारा कुछ गलतियों को जब हमने किया, रीजंस को ठीक कर दिया, तो हम पासबुक, और पासबुक में यही बैलेंस होगा, तो कैश बुक हमारा एक पर्टिकुलर बैलेंस शो कर रही थी, पासबुक ये, तो ये कंसाइल करने के बाद हमारे दोनों बैलेंस मिल जाएंगे, विच इज ऑथेंटिकेटेड इन आवर कोर्ट एंड इन आवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। हाँ, अब अगर माइनस का टोटल ज़्यादा हो बेटे, अगर माइनस हो सकता है ना कि ये वाला टोटल ज़्यादा हो और ये बैलेंस कहाँ यहाँ आ जाए, उस केस में आंसर होगा ओवरड्राफ्ट, तो ये याद रखिएगा, इज इट क्लियर। अगर प्लस का टोटल ज़्यादा हो तो हमें बैलेंस है इस पर पासबुक लिखना है, लेकिन अगर माइनस का बैलेंस ज़्यादा हो तो उसे हम बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये मैंने नोट भी लिखा है, इफ़ द टोटल ऑफ प्लस आइटम एक्सीड्स द माइनस, प्लस ज़्यादा है तो डिफरेंस इज फेवरेबल बैलेंस, एंड इफ द माइनस आइटम्स एक्सीड्स द प्लस आइटम, इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो ये हमने कैसे स्टार्ट किया था, ध्यान रखें, एक और पर्टिकुलर, वेरी पर्टिकुलर यू शुड बी, हमने स्टार्ट किससे किया था बेटे, कैश बुक के बैलेंस से, और आंसर क्या निकला, पासबुक का, इज इट क्लियर, ऐसा ही करना है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना होगा, किससे, पासबुक, और आंसर किस में निकालना होगा, कैश में, तो उस केस में याद रखिएगा हमें ये ऐड वाली आइटम्स को माइनस कर देना और ये माइनस वाली आइटम्स को ऐड कर देना है, नथिंग एल्स, गॉट इट। हम एक पैटर्न याद कर लेते हैं कि भाई कैश बुक से स्टार्ट किया और आंसर क्या है, पासबुक पे पहुंचना है, तो ये आइटम्स हमें ऐड करनी है और ये लेस, और कहीं क्वेश्चन में रिवर्स हो
आपके एमसीक्यू में रिवर्स भी, वो कह सकते हैं कि भाई पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करो। तो पासबुक का अगर यहाँ बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे, वैसे ही स्टार्ट करेंगे सब कुछ, लेकिन ये प्लस वाली आइटम्स जो हैं इनको क्या कर देंगे बेटे, माइनस, और माइनस वाली आइटम्स को, लेस वाली आइटम्स को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक में लिखा जाएगा, आंसर होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश था, हम पहुँचे पासबुक में। इसे याद कीजिए, अगर रिवर्स हो जाते हैं तो ऐड वाली आइटम्स को माइनस कर दें, माइनस वाली को ऐड कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय इट।